13 से 15 मई को कांग्रेस राजस्थान के मेवाड़ में अपना चिंतन शिविर करने जा रही है। इस शिविर से पहले सोनिया गांधी दिल्ली में CWC की बैठक करती है, जिसे चिंतन शिविर से पहले का अहम मंथन माना जा रहा है, जिसमें चिंतन शिविर को नव संकल्प एजेंडे के रूप में अंतिम रूप दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या ये चिंतन शिविर से कांग्रेस का नव सवेरा होगा। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। अगले साल राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो इस साल गुजरात समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जीत दर्ज करने के लिए 6 कमेटियों ने जो एजेंडा बनाया उससे अप्रूवल भी मिल चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने। नए एजेंडा के तहत कई अहम फैसले पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिए, जिसमें अहम फैसला भी लिया गया जिस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई थी। इस फैसले के तहत मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन नहीं करने का अहम फैसला लिया गया है। मतलब साफ है कि राजस्थान के CM अशोक गहलोत ही बने रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जिस तरह से बीच में ये नेतृत्व परिवर्तन की बातें चल रही थी कि शायद सचिन पायलट को चुनाव से पहले जो है CM फेस घोषित किया जा सकता है, लेकिन इन तमाम खबरों को खारिज करते हुए ये तय कर दिया गया कि पंजाब की तरह राजस्थान में इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। और हाँ, ये कोई पहली दफा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं बात करूं तो कांग्रेस के विपक्ष में रहते जितने भी चुनाव हुए सब में CM चेहरा कोई और था, लेकिन CM बनने पर बाजी गहलोत के हाथ ही रही। इसका क्या कुछ कारण रहा वो भी आपको मैं बता देती हूँ, जो कि रिपोर्ट्स कहती हैं कि हाईकमान का गहलोत के प्रति विश्वास माना जाता है। मैं 1998 की बात करूं तो उस दौरान जो चुनाव हुए उनमें तत्कालीन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष परसराम मदेरणा जो थे वो फेस थे CM के। तो वहीं 2003 में आते हैं जिसमें CP जोशी अध्यक्ष थे और वे CM के दावेदार माने जा रहे थे। तो बारी 2018 की, जब सचिन पायलट को दावेदार माना जा रहा था। हर बार गहलोत सबको चौंकाते हुए मुख्यमंत्री बनते चले गए। उन्हें हर बार हटाने की चर्चाएं भी चली, लेकिन उन्होंने टेन्योर पूरा किया। गांधी फैमिली का गहलोत के प्रति विश्वास सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार भी यही फैक्टर रहा, ये एक सवाल बना हुआ है। तो दूसरी तरफ संगठन को मजबूत करने के लिए है, पार्टी ने नई प्रभावी शख्सियतों को जोड़ने का काम भी करेगी। ये एक अहम फैसला जो है वो CWC की बैठक में लिया गया। कांग्रेस का ये चिंतन शिविर शुरू होने से पहले कांग्रेस को बहुत सारी चिंताओं से भी गुजरना पड़ रहा है। जी हाँ, जो कि सीधे सीधे सरकार की साख और कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। चाहे मैं करौली दंगों की बात कर लूँ या फिर जोधपुर हिंसा की, लेकिन उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके सबसे खासम खास जो मंत्री है, जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे यानी कि रोहित जोशी पर रेप का आरोप लगा है, और यह आरोप लगाया है महिला मीडिया कर्मी ने। जी हाँ, जिसने सियासत में एक नया ही भूचाल ला दिया है। करीब 2 महीने पहले मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी और पीड़िता की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उस दौरान उनको लेकर खूब चर्चाएं हुई। डॉक्टर महेश जोशी 2009 में जयपुर से लोकसभा सांसद रहे हैं और दूसरी बार विधायक रहे हैं, और मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें सरकार के मुख्य सचेतक से प्रमोट कर जलदाय विभाग का मंत्री भी बनाया गया। जबकि रोहित जोशी युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव रह चुके हैं और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य के पद पर हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जब अशोक गहलोत 2011 में CM बनते हैं तब भी भंवरी देवी कांड ने राजनीति में तूफान ला दिया था। CD, साजिश और सियासत का वो कांड किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था, जिसमें तब गहलोत सरकार में विधायक रहे मलखान सिंह और जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा पर आरोप लगते हैं, और तब CM अशोक गहलोत ने जो जांच है वो CBI को सौंप दी, और उसके बाद तकरीबन 16 लोगों को जेल का रास्ता दिखा करके न्याय का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया। लेकिन अब सवाल कांग्रेस के लिए ये बना हुआ है, जो कि अब चिंतन शिविर भी उदयपुर में होने जा रहा है,
2023 विधानसभा चुनाव जो है वो सामने है और इसमें खास तौर पर राजस्थान पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के लिए एक मजबूत गढ़ जो है वो माना गया है। लेकिन अब कांग्रेस के लिए ये कहना ठीक रहेगा कि क्या मंजिल न होकर एक लंबी यात्रा की शुरुआत होगी और क्या ये एक मील का पत्थर भी साबित होगा, इसके लिए आपको वेट करना होगा और लगातार बने रहिए राजस्थान तक पर। तो आप बताइए आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। महिला मीडिया कर्मी के मंत्री के बेटे पर रेप के लगाए गए आरोप पर आपका क्या कहना है वो भी हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन मुद्दों को राजस्थान तक पर रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जो कि आपके सरोकार से जुड़े हो, हम कोशिश करेंगे कि आपके मुद्दों पर हम बात करें। तो तब तक के लिए देखते रहिए लगातार राजस्थान तक।